Yes, guys, Adi Purush isn't to be watched in phone screens, not even laptops, and of course not on TV, but just theaters in IMAX quality. So I know, guys, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफी लेट हूँ और मेरी कंसिस्टेंसी भी कुछ कम हुई है. Well, something good is coming for you. There's a famous quote that don't judge a book by its cover, but in case of Adi Purush, the cover is already blown. So, बाकी सब लोग जैसे आदि पुरुष के टीजर के VFX को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके करेक्टर नरेशन को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस वीडियो में हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर क्रिएटर्स के माइंड में क्या चल रहा था. कि आई मीन उन्हें समझ नहीं आया इस टीजर को ड्रॉप करने से पहले कि कुछ ना कुछ गलत है. लेट्स एनालाइज इन दिस वीडियो आदि पुरुष टीजर. सो बिफोर वी बिगेन एनी डिस्कशन, हमें समझना पड़ेगा कि मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्रोच किया. बिकॉज जब किसी रामायण जो कि हमारी हिस्ट्री हमारे कल्चर के साथ इतने ज्यादा रूट लेवल पे कनेक्टेड है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सिंसेरिटी और डेडिकेशन चाहिए, इट शुड बी ऑफ एपिटोम लेवल. एंड इन केस ऑफ आदि पुरुष प्रोजेक्ट, इट डेफिनेटली सीम लैकिंग. आई मीन रावण को आज लोग इतना प्रेस कर रहे हैं बिकॉज उस प्रोजेक्ट में डेडिकेशन दिखती है बंदों की, कि उन्होंने हर चीज के लिए खुद से प्रैक्टिकल VFX का यूज किया है एंड ऑल दैट स्टफ. बेसिकली जब ऑडियंस को दिखता है ना कि कोई बंदा एफर्ट्स लगा रहा है अपने प्रोजेक्ट में, देन 90% ऑफ द टाइम द प्रोडक्ट delivers up to its expectations. But in case of Adi Purush, ऐसे लग रहा है कि जो vision था director का was just like कि basically मतलब कि ऐसे रावण को जैसे modern haircut में दिखा दिया, सोने की लंका काली कर दी. तो इन सब से लगता है कि इनका vision थोड़ा बहुत ज़्यादा डगमगाया था and inspired from various sources which you all better know than me. बट सुनो, अभी मैं थोड़ा ना कॉन्ट्रोवर्शियल कहूंगा कि इन सब चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो रावण को हेयर कट के साथ भी दिखा दे, सोने की लंका काली कर दे, इन सब चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अनलेस इट इज बैक्ड अप बाय अ नैरेटिव और अ रीजनिंग. स्क्रीन प्ले राइटिंग में ना हमें एक रूल सिखाया जाता है जो मैंने सीखा, दैट इफ द सीन डज नॉट एड टू द पेसिंग ऑफ द मूवी, जस्ट डिलीट इट. ऐसे कई सीन्स होते हैं विच आर लाइक जस्ट फिलर्स. सो इफ यू वॉन्ट अ टाइट स्टोरी, देन दोस सीन्स नीड टू बी डिलीटेड. एंड लाइक आदि पुरुष के केस में ऐसे रेलेवेंट है ना कि ये जो इतना ज्यादा बोस्ट कर रहे हैं कि 500 करोड़ का बजट, वो कहते हैं ना, इफ यू कैन डू दैट डज नॉट मीन यू हैव टू डू इट. तो ऐसे में क्या पर्पज सर्व करता है ऐसे करेक्टर्स का ट्रांजिशन? अगर हमारे पास कोई सॉलिड रीजनिंग के साथ प्रेजेंट करते आर्टिस्ट की अपना ये हमारा विजन है और हमने इस चेंज को इस कारण से किया, क्योंकि रामायण जो कि हमारे हिस्ट्री के साथ है, तो ऐसे उसमें सीधा छेड़छाड़ नहीं कर सकते. अगर लोगों के अंदर वो कन्विक्शन टूट जाएगी जब तक हम लोगों को कन्विंस नहीं करवा सकते. जैसे मैंने बताया था सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जब तक वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं आएगा कि लोगों को समझ आएगा बैक बाय रीजनिंग कि इस चीज को चेंज करने का ये कारण था. राम जी को अगर भगवे रंग की जगह सफेद धोती बनाई है तो उसका क्या कारण है? हर चीज का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि स्टोरी को नरेट करने में बहुत हेल्पफुल होती है. एंड आदि पुरुष में ये स्टोरी का नरेटिव ही लैक था. अगर कोई भी क्रिएटर आके ये सिर्फ कहेगा ना कि ये मेरा विजन है, तो ऑडियंस उसे देखने नहीं जाएगी, क्योंकि ऑडियंस जाती है खुद के लिए देखने, किसी और के प्रेज के लिए नहीं. ऑडियंस इज नॉट अ फैमिली कि आपने बोल दिया कि मेरे परिवार को कि चलो मूवी देखने चलते हैं, मैंने मूवी बनाई है कि मेरा ये विजन था ऐसे. एंड लाइक जो मोस्ट ऑफ द पॉश ऑडियंस को छोड़ के इंडिया की, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन द रामायण दैट वी हैव बीन सीइंग थ्रू आउट आवर लाइव्स. जैसे कि सिंप्लिसिटी के लिए रामायण फेमस थी, एंड ऐसे में 500 करोड़ के बजट को आपने जस्ट वेस्ट किया है इन क्रिएटिंग दिस हैवी एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ VFX शॉट्स. जो बट अच्छा सोचो, ऐसे में ना नुकसान किसका होगा? क्या एक्टर का, डायरेक्टर का, या प्रोड्यूसर का, या किसका? वेल टेक्निकली ना इन तीनों या चारों में से किसी का भी नुकसान नहीं होगा. जो मेन प्लेयर्स होते हैं ना, उन सबका नुकसान किसी ना किसी वे में ओवर टाइम रिकवर हो ही जाता है. नुकसान पता किसका होता है? उन राइटर्स का, उन क्रिएटर्स का, उन VFX आर्टिस्ट का, जिन्होंने दिन रात बैठ के इस पे मेहनत की है जस्ट बिकॉज उनके डायरेक्टर साहब का विजन था कि हाँ मैं तो दिखाऊंगा रामायण को ऐसे ही. एंड ऐसे में उनके लिए आगे वर्क लेना डिफिकल्ट हो जाता है जब उनके नाम के साथ अटैच हो जाता है ना कि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया. एंड इसीलिए जो टू नुकसान होता है इनका होता है. वेल इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ना लाइक कि लोग हर जगह इंटरनेट पे आदि पुरुष की वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उसको रोस्ट कर रहे हैं, जस्ट लीव द रोस्टिंग कम्युनिटी. बट ऐसा क्या पॉइंट है कि मेरे जैसे लोग जो वैल्यू एडिशन के रिगार्डिंग कंटेंट बनाते हैं और ऐसे कई क्रिएटर्स वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं?
वेल बिकॉज एज एन ऑडियंस हमें इससे काफ़ी अच्छे लेसन सीखने को मिलते हैं एंड आई विल टेल यू वन थिंग लाइक नोबडी इज गोइंग टू बाय अ शिट. ये लेसन एक डायरेक्टर को, एक आर्टिस्ट को, एक राइटर को और एज एन ऑडियंस हमें सीखने की जरूरत है दैट नोबडी इज गोइंग टू बाय शिट इवन इफ इट कॉस्ट अ मिलियन. वो कहते हैं ना नया 9 दिन पुराना 100 दिन, दैट फिट्स इन राइट हेयर. एंड सो इसीलिए वैल्यू ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मनी डज नॉट इक्वल क्वालिटी. ये सिर्फ आदि पुरुष के ट्रेलर तक लिमिटेड नहीं है. जिंदगी में कहीं भी तुम्हारा मॉनेटरी पर्पस सर्व होगा ना देन यू नीड टू रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है. एंड आदि पुरुष से सबको साफ हो गया कि क्या ही खरीद लिया उन्होंने पैसे से. एंड इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत है दैट सम थिंग्स रिक्वायर फिनेंस, सम वर्क रिक्वायर डेडिकेशन एंड लाइफ में भी मनी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी आजकल के वर्ल्ड में हमें लगता है कि एक्चुअली में है. And hope you like this video and if you like this analysis and do not forget to check out my other videos. Till then, keep analyzing. Bye.